सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पांचवा चैप्टर समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है, संख्याओं के निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। अब निश्चित नियमानुसार क्रम का मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे संख्याएं मैं आपको दूं दो, जैसे ये ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार आगे 2 4 6 8 10 और इस प्रकार आगे 2 4 8 16 और इस प्रकार आगे 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 और इस प्रकार आगे। अब देखिए, आप ये जितनी भी संख्याएं देख रहे हैं, ये क्रम जो देख रहे हैं जिसको हम अनुक्रम बोलते हैं, इनमें देखना ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या अपनी पिछली संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, यानी आगे की जो संख्या है उसमें एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त होगी। यानी 2 में 1 जोड़ेंगे 3 3 में 1 जोड़ेंगे 4 4 में 1 जोड़ेंगे 5 5 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 6। इसका मतलब ये एक निश्चित नियमानुसार क्रम में चल रही है, निश्चित नियमानुसार क्रम में चल रही है। और वो नियम क्या है कि प्रत्येक अगली संख्या अपनी पूर्व वाली संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होती है। इसमें यहाँ पे देख लीजिए 2 4 6 8 10 यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि प्रत्येक अगली संख्या अपने पूर्व वाली संख्या में दो जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए प्रत्येक अगली संख्या अपनी पूर्व वाली संख्या को दो से गुणा करने पर प्राप्त होती है, देख लीजिए। तो इसमें भी एक निश्चित नियमानुसार क्रम चल रहा है, यानी कि प्रत्येक पिछली संख्या को जब आप दो से गुणा करोगे तो आपको आगे की संख्या प्राप्त होगी। यानी आगे की संख्या प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, पीछे की संख्या में दो से गुणा करते जाओ और ऐसे चलते जाओ। तो ये क्रम चल रहा है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक संख्या क्या करते हैं, तीन की बढ़ती घातों के रूप में चल रही है। क्या चल रही है, तीन की बढ़ती घातों के रूप में चल रही है। या इसको भी आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रत्येक अगली संख्या पूर्व वाली संख्या को तीन से गुणा करने पर प्राप्त हो रही है। तो ये जो निश्चित नियमानुसार क्रम है इसको हम क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। यानी ये सारे के सारे क्या है, आपके अनुक्रम है। अब बात हम करेंगे किसकी, समांतर श्रेणी की बात करते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है कि ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक अगली संख्या पूर्व वाली संख्या में कुछ निश्चित राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, तो उस अनुक्रम को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। यानी कि उस अनुक्रम के जितनी भी संख्या है उस अनुक्रम में, वो सारी की सारी संख्या किस में है, समांतर श्रेणी में है। आगे बात में, तो समांतर श्रेणी आपकी क्या होगी, समांतर श्रेणी ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक अगला पद पूर्ववर्ती पद में निश्चित राशि जोड़ने पर प्राप्त होता है तो वह अनुक्रम समांतर श्रेणी में कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये पहला अनुक्रम देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम निश्चित राशि जोड़ रहे हैं पूर्व वाले राशि में। यानी कि एक में एक जोड़ेंगे तो क्या आ रहा, दो, दो में एक जोड़ेंगे तो तीन, तीन में एक जोड़ेंगे तो क्या आ रहा, चार, चार में एक जोड़ेंगे तो पाँच, पाँच में एक जोड़ेंगे तो छः और इसी प्रकार ये अनुक्रम चल रहा है। इसका मतलब ये अनुक्रम किस में, समांतर श्रेणी में। यहाँ पर भी देख लीजिए क्या है, निश्चित राशि जोड़ रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं प्रत्येक अगले पद में, प्रत्येक पिछले पद में हम दो जोड़ के अगला पद प्राप्त कर रहे हैं। तो दो में दो जोड़ेंगे चार, चार में दो जोड़ेंगे छः, छः में दो जोड़ेंगे आठ, आठ में दो जोड़ेंगे दस, तो इस प्रकार ये अनुक्रम चल रहा है। लेकिन ये दो चीज़ें देखिए, यहाँ पे अनुक्रम इस प्रकार नहीं चल रहा है, यहाँ पे गुणा चल रहा है। यानी ये दो अनुक्रम जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, ये दोनों क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। हालांकि ये क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ये एक्चुअली गुणोत्तर श्रेणी है जो कि आपके अभी कोर्स में है नहीं, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, आगे बात सुन अगली क्लास में। तो अब देखिए, जो निश्चित राशि होती है, अब देखिए तो इसको लिख के बताते हैं, समांतर श्रेणी में अगले
पद तथा पूर्ववर्ती पद यानी पहले का पद का अंतर निश्चित होता है। आगे बात, यानी कि आप कोई सा भी पद ले लीजिए, आप समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ले लीजिए, वह पद और उससे पहले वाले पद का जो अंतर होगा वो निश्चित होगा। यानी आप पहला और दूसरा पद ले लीजिए तो इन दोनों पदों का अंतर भी क्या होगा, सेम होगा। या आप पांचवा और छठा पद ले लीजिए, इनका अंतर भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कोई भी पद ले लीजिए, उसका पिछले पद के साथ में जो अंतर है वो क्या होगा, समान होगा। समांतर श्रेणी में अगले पद तथा पूर्ववर्ती का अंतर निश्चित होता है तथा इसे समांतर श्रेणी का क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सार्व अंतर कहते हैं। अब बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए A1, A2, A3 से लेके AN कुछ समांतर श्रेणी में तथा प्रत्येक दोनों पदों का अंतर जो निश्चित अंतर है वो जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या है, डी है। आगे बात समझ, तो यहाँ पे A2 माइनस A1 यानी कि दूसरे और पहले पद का अंतर वो भी क्या आएगा, डी निश्चित होगा। A3 माइनस A2 ये भी क्या आएगा, डी आएगा। A4 माइनस A3 ये भी क्या आएगा, डी आएगा। और इसी प्रकार चलते चलते An माइनस 1 ये भी क्या आएगा, डी। ये इसका क्या कहलाता है, व्यापक, व्यापक पद। यानी कि एन पद में से N-1 वा पद आप घटाओगे तो जो अंतर आता है D वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। यहाँ पे N बराबर आप 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो। आगे बात सुन, इसका पद 1, 0 ये भी लगा दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1-A0 ये भी क्या होगा, D होगा। आगे ने बात समझ में, तो ये होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है, प्रत्येक पद में से पूर्ववर्ती पद का आप अंतर निकालोगे वो हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। कोई से भी आप दो पद, कर्मागत पद क्या लेना आपको, कर्मागत कोई भी दो पद ले लीजिए, उनका जो अंतर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, निश्चित राशि रहेगी। और वो निश्चित राशि आपकी क्या कहलाती है, सार्व अंतर कहलाती है। अब मान लीजिए आपको समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, तो कैसे करोगे। मान लीजिए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है तथा सार्व अंतर D है, तो समांतर श्रेणी क्या होगी, तो पहला पद तो आपका A हो ही गया। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होता है, पहले पद में वो सार्व अंतर आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसका दूसरा पद यानी वो क्या हो जाएगा, A+D, क्या हो जाएगा, A+D। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होता है, दूसरे पद में सार्व अंतर डी जोड़ना। तो दूसरा पद ये है, इसमें डी जोड़ेंगे तो डी पहले से पड़ा, D+D क्या हो जाएगा, 2D, तो A+2D। ये क्या हो गया इसका, ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद। चौथा पद क्या होगा, तीसरे पद में आपको क्या करना है, आपको फिर से डी जोड़ना है, A+3D। इसी प्रकार आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा पद A+4D, और ऐसे चलते चलते nवां पद क्या होगा, A+N-1D। देखिए ध्यान से देखना, पहले पद में क्या आया A, दूसरे पद में क्या आया A+D, तीसरे पद में क्या आया A+2D। मैं बात कर रहा हूँ तीसरे पद की, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2D। ये चौथा पद, बात किसकी हो रही है, चौथे पद की, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 3D। ये पाँचवा पद, बात किसकी हो रही है, पाँचवें पद की, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 4D। ये nवां पद, बात किसकी हो रही है, nवें पद की, लेकिन आएगा क्या यहां पर, n से एक कम, n-1d। आगे बात सुन, तो ये होता है ये होती है आपकी समांतर श्रेणी, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+n-1d। ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें n पद है। आगे बात सुन, तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद, श्रेणी का व्यापक पद यानी nवां पद क्या होगा, A+N-1D।
आगे बात समझे, तो अगर आपको ए दे रखा है प्रथम पद और सार्वंत्र डी दे रखा है, तो आपसे कोई सा भी पद एनवा पद यानी आप 20वां 30वां 40वां कोई सा भी पूछ ले, तो आपको इस सूत्र में मान रख देना है ए डी और एन के मान रखने हैं और वो पद आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। तो ये होती है समांतर सरणी। समांतर सरणी का मतलब क्या हो गया, संख्याएं एक निश्चित क्रम में चलेगी और वो एक निश्चित क्रम में एक नियम के अनुसार चलेगी, और वो नियम क्या है कि अगली संख्या पिछली संख्या में एक निश्चित राशि जोड़ने पर प्राप्त होगी। आगे बात प्रत्येक पद में, आगे बात प्रत्येक दो क्रमागत पदों का जो अंतर होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। आगे बात जैसे 1 2 3 ये गिनती है, 2 4 6 8 10 ये भी समांतर सरणी है, 3 6 9 12 15 ये भी क्या है, समांतर सरणी है, -5 -2 1 4 7 ये भी क्या है, समांतर सरणी है। इसमें देखिए क्या अंतर क्या आ रहा है, प्रत्येक पद में हम क्या कर रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, -5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2, -2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, और इसी प्रकार 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, और इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। ये सारे के सारे क्या है, समांतर सरणी है। आगे बात समझ में, तो समांतर सरणी का मतलब समझ गए, समांतर सरणी यानी कि कोई भी एक अनुक्रम है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर एक निश्चित राशि आ रही है, प्रत्येक दो क्रमागत कोई से भी आप दो पद ले लीजिए क्रमागत, उनका अंतर अगर आ रहा है एक निश्चित राशि, आगे भाषा में, तो वह अनुक्रम क्या कहलाएगा, समांतर सरणी कहलाएगा। दूसरी भाषा में कि प्रत्येक अगले पद और पूर्ववर्ती पद का जो अंतर है वो क्या रहना चाहिए, निश्चित रहना चाहिए, तो वह अनुक्रम क्या कहलाएगा आपका, समांतर सरणी। तो यह होती है समांतर सरणी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बात करते हैं प्रश्नावली 5.1 की। 5.1 का पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित समांतर सरणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वंत्र डी ज्ञात कीजिए, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी, ये दोनों आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। आगे बात समांतर सरणी दे रखी है 6 9 12 15 और इस प्रकार। अब देखिए प्रथम पद ज्ञात करना तो कोई बड़ी मुश्किल है ही नहीं, इस समांतर सरणी का पहला ही पद देख लीजिए, पहला ही पद देख लीजिए वो क्या होगा आपका, प्रथम पद। आगे बात समझ में, तो यहाँ ए यानी कि प्रथम पद वो क्या आ गया, 6। अब आपको सर्व अंतर ज्ञात करना है, सर्व अंतर A2 - A1 से भी चेक कर सकते हो, A3 - A2 से भी चेक कर सकते हो, A4 - A3 से। इसका मतलब क्या है, A2 का मतलब क्या, दूसरा पद, A1 का मतलब क्या, पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो देखना अंतर, तो दूसरा पद माइनस पहला पद तथा सर्व अंतर डी, सर्व अंतर डी A2 - A1, A2 यानी दूसरा पद क्या है 9, माइनस A1 क्या है 6, तो 9 - 6 = 3, तो यहाँ से डी बराबर क्या आ गया 3। आप देखिए कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर देखिए, इन दो का देखिए 9 - 6 क्या आ रहा 3, इन दो का देखिए 12 - 9 क्या आ रहा 3, इन दो का देखिए 15 - 12 क्या आ रहा 3, तो इससे आगे का पद क्या आएगा 18, तो 18 - 15 = 3, फिर आएगा 21 - 18 वो भी क्या आ रहा 3। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या आ गया आपके पास में, ए बराबर 6 और सार्व अंतर डी बराबर क्या आ गया 3। तो क्लियर है, बिल्कुल इजी प्रश्नावली है और बिल्कुल इजी टॉपिक है। आगे बात सुनो, तो ये प्रथम पद हो गया ए आपका 6 हो गया और सार्व अंतर डी आपका हो गया 3। तो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, -7 - 9 - 11 - 13 और इसी प्रकार ये समांतर सरणी देर की। अब कह रखा है, ये कह रहा है कि ये समांतर सरणी है, ये कह रहा है कि ये समांतर सरणी है, तो समांतर सरणी का रूल क्या होता है, प्रत्येक अगला पद और पूर्ववर्ती पद का अंतर जो होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। तो आप इनका अंतर ज्ञात करके भी डी निकाल सकते हो और पहले दो का ज्ञात करके भी डी निकाल सकते हो। तो प्रथम पद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समांतर सरणी का पहला ही पद देख लीजिए वही क्या होगा, उसका प्रथम पद होगा। तो यहाँ ए बराबर क्या है, -7। आगे बात में सर्व अंतर ज्ञात करना है आपको, सर्व अंतर डी, सर्व अंतर डी आप A2 - A1, A2 क्या है, दूसरा पद यानी कि -9,
इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, a1 क्या है, माइनस का 7, तो माइनस 9, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 7, तो माइनस 9 प्लस 7 क्या हो गया, माइनस का 2, तो यहाँ पे सर्व अंतर डी बराबर क्या आ गया, माइनस का 2, तो इसका मतलब प्रथम पद ए बराबर क्या है आपके पास में, माइनस का 7, और सर्व अंतर डी बराबर आपके पास में क्या आ गया, माइनस का 2। क्लियर, इस प्रकार आपको प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी ज्ञात करना है। चलिए इसका और क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है, 3/2, 1/2, माइनस 1/2, माइनस 3/2, और ये इस प्रकार चलता है। ये कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, तो प्रत्येक अगले पद और पूर्ववर्ती पद का जो अंतर है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो प्रथम पद ज्ञात करने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला ही पद क्या होगा इसका समांतर श्रेणी का, प्रथम पद होगा, तो आंसर ए बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, ए बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। आगे बात में अब आपको सर्व अंतर ज्ञात करना है, सर्व अंतर आपको बता दिया, डी क्या होता है, दो पदों का आप अंतर निकाल लीजिए, दूसरे का और पहले का, तो दूसरा पद क्या है, 1/2, घटाना क्या है, 3/2, तो 1/2 में से 3/2 घटाएंगे क्या आएगा, आधे में से 1.5 घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का अपन। आगे बात समझे, तो प्रथम पद क्या आ गया, ए बराबर 3/2, और सर्व अंतर डी बराबर क्या आ गया, माइनस का। बिल्कुल इजी टॉपिक है, और भी क्वेश्चन देख लीजिए इसके, चौथा कर लेना। पांचवा देख लेते हैं, इसका पांचवा पार्ट देख लीजिए, समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, माइनस का 1, 1/4, 3/2, और ये इस प्रकार चल रही है। आगे बात, तो प्रथम पद की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहला ही पद समांतर श्रेणी का क्या होगा, प्रथम पद, तो यहाँ ए बराबर क्या आ गया, माइनस 1, और सर्व अंतर डी बराबर कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर, दूसरे का और पहले का, तो दूसरा पद क्या है, 1/4, माइनस पहला पद क्या है, माइनस का 1, तो 1/4 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1, तो 1/4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5/4। आगे बात समझ में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रथम पद क्या है आपके पास में, a बराबर माइनस का 1, और सर्व अंतर d बराबर क्या आया, 5/4। आगे बात समझ में, तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, अब कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन के जो बाकी के पार्ट है, एक दो बच्चे हैं, वो आप घर पे करना। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सर्व अंतर डी आपको दे रखा है, तो उस श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए, प्रथम चार पद लिखो आपको समांतर श्रेणी का। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ए आपको दे रखा है माइनस 1, और डी आपको दे रखा है 1/2। आगे बात सुन, आपको कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है और उसका सर्व अंतर डी आपको दे रखा है, तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए। तो आंसर, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सर्व अंतर डी है, तो श्रेणी निम्न होगी। तो पहला पद यानी कि समांतर श्रेणी आप लिखते हो, तो सबसे पहले पहला पद ही लिखोगे, तो पहला पद क्या हो गया, ए। दूसरा पद क्या होता है, पहले पद में सर्व अंतर जोड़ेंगे, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होगा, दूसरे पद में सर्व अंतर जोड़ेंगे, आगे आगे जोड़ते जाएंगे सर्व अंतर को, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। और चौथा पद क्या हो जाएगा, तीसरे पद में डी और जोड़ेंगे सर्व अंतर, तो ए प्लस 3d। तो ये हो गए समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद। अब आपको ए दे रखा है और डी दे रखा है, तो चारों पद आप ज्ञात कर सकते हो। अतः प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, ए। प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ए का मान तो दे रखा है माइनस 1। दूसरा पद, इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए, ए 1,
ए वन बराबर ए, ए क्या है पहला पद, पहला पद दे रखा है आपको माइनस वन, दूसरा पद ए टू वो क्या होगा ए प्लस डी, ये तो है दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा आपके पास में ए का मान दे रखा है माइनस वन प्लस डी का मान दे रखा है एक बटा दो, तो माइनस वन प्लस एक बटा दो क्या हो जाएगा माइनस का एक बटा दो। तीसरा पद ए थ्री वो क्या हो जाएगा, अब देखिए दो तरीके हैं, या तो दूसरे पद में आप डी जोड़ लीजिए या फिर ये वाला तरीका है आपके पास में, तो ए ए क्या है माइनस वन प्लस दो इंटू डी क्या है एक बटा दो, तो एक बटा दो इंटू दो क्या हो गया वन, तो माइनस वन प्लस वन क्या हो गया जीरो। और चौथा पद ए फोर ये क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री इंटू डी क्या है एक बटा दो, यानी कि माइनस वन प्लस तीन बटा दो, तीन बटा दो क्या होता है डेढ़, डेढ़ में से एक घटाएंगे क्या बचेगा आधा। तो क्या पूछा है प्रथम पद और सारांतर डी दे रखा, तो प्रथम चार पद लिखिए, अतः श्रेणी के प्रथम चार पद क्रमशः कौन कौन से होंगे माइनस वन माइनस एक बटा दो जीरो एक बटा दो, आगे बात समझ में, तो प्रथम पद दे रखा है सारांतर दे रखा है, तो आप चार क्या आप कितने भी पद लिख सकते हो समांतर सरणी के, आगे बात में क्योंकि आपके पास में प्रथम पद पड़ा है, प्रथम पद पड़ा है सारांतर पड़ा है, तो प्रथम पद में सारांतर जोड़ेंगे दूसरा पद आ जाएगा, दूसरे में वापस सारांतर जोड़ेंगे तीसरा आ जाएगा, और इसी प्रकार चलते चलते आप कितने भी पद निकाल सकते हो। क्लियर है, चलिए तो और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, तो ए बराबर आपको दे रखा है प्रथम पद एक बटा तीन और डी बराबर दे रखा है आपको चार बटा तीन, आगे बात समझ में, ए बराबर एक बटा तीन, तो प्रथम पद तो समांतर सरणी के चार पद क्या हो जाएंगे ए, अगर ए प्रथम पद है डी सारांतर ए, ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, आगे बात समझ में, तो प्रथम पद यानी ए वन वो क्या हो जाएगा प्रथम पद ए, ए आपको दे रखा कितना एक बटा तीन, दूसरा पद ए टू वो क्या हो जाएगा ए क्या है एक बटा तीन प्लस बी क्या है चार बटा तीन, तो चार प्लस एक पाँच यानी कितना आ गया पाँच बटा तीन, आगे बात समझ में। तीसरा पद अब आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो दूसरे पद में, यानी ए टू दूसरा पद प्लस डी ये भी आप कर सकते हो, यानी कि पाँच बटा तीन में आप क्या जोड़ लो एक बटा सॉरी चार बटा तीन सारांतर जोड़ लो, तो पाँच चार नौ, नौ बटा तीन तीन, आगे बात, या ये वाला तरीका था ही ए क्या है एक बटा तीन प्लस दो इंटू चार बटा तीन, ये भी है चार दूनी आठ, आठ प्लस एक नौ बटा तीन तीन, तो इससे भी आ रहा है, आगे ना बात समझ। समांतर सरणी होती क्या है, पिछले वाले पद में सारांतर जोड़ते जाओ और आगे आगे के पद आपके पास में आते जाएंगे, आगे बात समझ। ए फोर, ए फोर क्या है तीसरा पद, तीसरे पद में डी जोड़ लीजिए, तीसरा पद क्या है तीन, इसमें डी जोड़ लीजिए क्या है चार बटा तीन, तो कितना आ जाएगा तीन तीन नौ चार तेरह बटा तीन, तो चार पद घर में से कौन से हो गए एक बटा तीन पाँच बटा तीन तीन तेरह बटा तीन, आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के बाकी पार्ट सेम तरीका है, ऐसे ही करना है आपको, चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर सरणी की जांच कीजिए। समांतर सरणी की जांच करने का मतलब आपको यह बताना है कि ये जो अनुक्रम दे रखा है क्या ये समांतर सरणी में है या नहीं है, आगे बात सुनें। अगर इनमें कोई समांतर सरणी है, यानी इनमें कोई भी अनुक्रम जो दे रखा है अगर वो समांतर सरणी है, तो इसका सार्वांतर ज्ञात करना है और आगे के चार पद भी आपको ज्ञात करना है। तो इसका पहला ही पार्ट देख लीजिए, दो पाँच बटा दो तीन सात बटा दो और ये, तो आपको चेक करना है कि ये जो अनुक्रम है वो समांतर सरणी है या नहीं है। तो अनुक्रम ये अनुक्रम समांतर सरणी होगा कब, यदि प्रत्येक अगले पद और पूर्ववर्ती पद का अंतर क्या आना चाहिए समान आना चाहिए, यानी क्रमागत कोई भी दो पद ले लीजिए उनका अंतर हमेशा क्या आना चाहिए समान आना चाहिए, यानी सार्वांतर डी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तब ये क्या होगी समांतर सरणी होगी। तो चेक कर लेते हैं, तो यहाँ a2 टू माइनस ए वन यानी दूसरे और पहले पद का अंतर देखिए क्या आ रहा है पाँच बटा दो माइनस दो, पाँच बटा दो कितना होता है ढाई, ढाई में से दो कटाएंगे क्या बचेगा आधा,
ए थ्री माइनस ए टू ज्ञात कर लीजिए, यानी कि तीसरा पद और दूसरे पद का अंतर तीन माइनस पाँच बटा दो। तीन में से क्या घटाना, पाँच बटा दो यानी ढाई, तीन में से ढाई घटाएंगे क्या आएगा एक बटा दो। आगे बात सुन, इसका मतलब अब दो जगह ये चीज़ हो गई, इसका मतलब ये क्रम ऐसे चल रहा है, यानी एक बटा दो का अंतर है, सारा अंतर क्या एक बटा दो, यानी कि प्रत्येक पिछली संख्या में एक बटा दो जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त होगी। आप चाहे देख भी सकते हो ए फोर माइनस ए थ्री यानी चौथे और तीसरे का देख लीजिए, सात बटा दो माइनस तीन, सात बटा दो क्या होता है साढ़े तीन, साढ़े तीन में से तीन घटाएंगे क्या आएगा ढाई। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, अतः यह समांतर श्रेणी है। तो वो प्रश्न है क्या पूछा कि तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए डी, अतः सार्व अंतर डी बराबर क्या है एक बटा दो, और ये कह रहा है अगले चार पद लिखिए, यानी कि यहां तक तो दे रखा है, इसके अगले चार पद तथा अगले चार पद, तो इसके आगे का पद यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा देर का पांचवा पद क्या हो जाएगा, तो अगले चार पद क्रम से कौन कौन से हो जाएंगे, सात बटा दो प्लस एक बटा दो, यानी कि सात बटा दो यानी साढ़े तीन प्लस एक बटा दो क्या हो गया चार। क्लियर, ये क्या हो गया आपका ए फाइव यानी पांचवा पद। छठा पद क्या होता है, पांचवा पद में आप सारे अंतर डी जोड़ लीजिए, यानी चार में एक बटा दो जोड़ लीजिए, चार दो आठ एक नौ बटा दो। सातवां पद क्या होगा, छठे पद में और डी जोड़ेंगे सारे अंतर, यानी कि छठा पद प्लस डी, छठा पद क्या है नौ बटा दो प्लस डी यानी एक बटा दो, यानी कि नौ बटे दस बटा दो यानी कि पाँच। और आठवां पद क्या हो जाएगा, सातवें पद में और आप डी जोड़ लीजिए, पाँच प्लस एक बटा दो, तो पाँच प्लस एक बटा दो ग्यारह बटा दो। तो अगले चार पद क्रमश कौन कौन से होंगे, चार नौ बटा दो पाँच ग्यारह बटा दो। तो ये समांतर श्रेणी है और इसका सार्व अंतर क्या है एक बटा दो, और इसके आगे के जो चार पद क्रम से कौन से हैं, चार नौ बटा दो पाँच एक ग्यारह बटा दो, और ऐसे एक बटा दो आप जोड़ते जाइए और इस समांतर श्रेणी का आप चाहे जितने पद निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पार्ट। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।